नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। ऑटो चालक और स्कूटी सवार के बीच हुए विवाद में स्कूटी सवार युवक ने फेंका बम, 7 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। पीजी साइकोलॉजी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ शुभारंभ, अपराध के मनोविज्ञान पर हुई चर्चा। विश्व एड्स दिवस को लेकर टीएनबी कॉलेज में कार्यशाला का हुआ आयोजन, एड्स से बचाव और रोकथाम के लिए किया गया जागरूक। सिटी एसपी ने विश्वविद्यालय थाना में की समीक्षा बैठक, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। और कहलगांव में किसान मजदूर युवा सम्मेलन का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के मारूफ चक अंबे रोड के पास सड़क पर बम फटने से 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गया। सभी घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल सोमवार की शाम मोजैतपुर थाना क्षेत्र के मारूफ चक के समीप ऑटो और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई। इस दौरान स्कूटी में रखा बम सड़क पर गिर कर विस्फोट कर गया, जिसमें मौके पर मौजूद 4 वर्षीय राहुल, 12 वर्षीय राहुल, 19 वर्षीय मनीष, 21 वर्षीय बिक्कू, बंटी और चंदन नामक युवक बम के अवशेष से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मोजैतपुर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार और ऑटो चालक के बीच विवाद हो गया, इसी दौरान स्कूटी में रखा बम विस्फोट कर गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। टेम्पू चालक टेम्पू लेके आ रहा था अपने घर से, घर पर था कमौनी थाना कजरेली, और यही किसी आस पास लगता है कि वो स्कूटर वाले से कुछ झड़प हुआ होगा, हम तो गेस करते हैं झड़प हुआ होगा, और उसी मोड़ पे टेम्पो रोक देता है जी सर। और वो जाता है अपने घर और अंदर से फिर 3 लड़के आते हैं जी सर। आते हैं, बम पटकता है और फिर भाग जाता है। 5-6 दिन जख्मी हो जाते हैं, और वो भेजे हैं इलाज के लिए। आज तो स्कूल का गाड़ी था, मैजिक आ गया तो हम ब्रेक लिए तो पीछे से तो ये आ रहा था, स्कूटी लेकर के आ रहा था, तो लड़का एक तो खराब था, उधर से आया ना तो मेरे गाड़ी में पीछे से ठोक दिया, बहुत स्पीड में आया था, हम ब्रेक जैसे नहीं वैसे ठोक दिया मेरे गाड़ी में, ठोक करके फिर हम मेरे को आकर के यहाँ झगड़ा झाटी करने लगा, मारपीट करने लगा। घर से आवाज़ सुने बम का, बहुत जोर से आवाज़ किया बम का, जैसे बाहर आते देखते भैया घायल, और सब क्या आए भैया थे मनीष कुमार, विक्रम कुमार थे, चंदन कुमार और राहुल कुमार था, रघुवीर दास था, ऑटो चालक। तो ऑटो चालक सब साथ घायल हुआ है? हाँ, सब साथ ही था, तो जैसे वो होता नहीं कि जैसे यहाँ पे झगड़ा उगड़ा होने लगा, चल गया यहाँ पे, तो बम मारने लगा, नहीं पकड़ाया है, निकल गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी साइकोलॉजी विभाग में सोमवार को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय है अपराध का मनोविज्ञान। पीजी साइकोलॉजी विभाग के सभागार में आयोजित सेमिनार का उद्घाटन सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च एंड सोशल चेंज के डायरेक्टर प्रोफेसर जीपी ठाकुर, रॉयल यूनिवर्सिटी भूटान के प्रोफेसर लंगटेन वेंगरी, कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान मौजूद अतिथियों ने अपराध के मनोविज्ञान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। अतिथियों ने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य आज समाज में जो विभत्स घटना घटित हो रही है उसी के बारे में सोचने एवं लोगों के विचार जानने के लिए इसका आयोजन किया गया। मौके पर डॉक्टर सचिदानंद चौधरी, डॉक्टर रेखा सिन्हा, डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य लोग एवं छात्र छात्रा मौजूद थे। जिसमें भागलपुर टीएनबी कॉलेज के एनआर सेंटर में सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा एड्स जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार एवं डॉक्टर सुमन कुमार ने संयुक्त रूप से किया।
कार्यशाला में एनएसएस स्वयंसेवकों को एड्स होने के कारण इससे बचने के उपाय एवं एड्स पीड़ित व्यक्तियों से किए जाने वाले व्यवहार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि एड्स के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। वहीं डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा कि हमारा व्यवहार एड्स पीड़ित व्यक्तियों से सामान्य होना चाहिए, जिससे उसे असहज महसूस ना हो। इस मौके पर मनीषा सोनल, डॉक्टर मनोज कुमार, मुशफिक आलम, सौरभ कुमार, राजीव रंजन सहित कई शिक्षक, एनएसएस स्वयंसेवक एवं छात्र मौजूद थे। एनबी कॉलेज के एनएसएस इकाई द्वारा हमेशा समय समय पर एड्स के जागरूकता के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। कल एड्स दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एड्स दिवस का आयोजन किया और आज एक जागरूकता रैली और एक कार्यशाला के रूप में हम लोग बच्चों को एड्स के प्रति जागरूक करने और इनके माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय ओपी परिसर में सोमवार को सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने लंबित कांडों की समीक्षा की। इस दौरान एसपी ने लंबित कांडों के निष्पादन, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, वाहन चेकिंग अभियान, शराब तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर थाना अध्यक्ष को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि विगत एक वर्ष में दर्ज एफआईआर की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं थाना अध्यक्ष को अभियान चलाकर फरार अपराधियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। वरीय पदाधिकारी नियमित रूप से हर प्रतिष्ठान थाना होता है या सर्किल ऑफिस होता है चाहे हॉस्पिटल निरीक्षण किया जाता है, उसी कड़ी में आज हम यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। और निरीक्षण क्रम में जो संस्था में कमी पाई जा रही है, मेरा प्रयास यहाँ इंस्पेक्टर साहब भी है, थाना प्रभारी भी है, जो अगले 7 दिन उसे पूरा कर लेंगे, अधिकतम कर लेंगे। कहलगांव अनुमंडल के तिरिमुहान के समीप जिला लोक समिति के तत्वाधान में सोमवार को एक दिवसीय किसान मजदूर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता भोलसर पंचायत के उपमुखिया अनुकांत सिंह ने की। कार्यक्रम में 100 से अधिक किसान एवं युवा ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता शिवदीप सिंह ने कहा कि आज बिहार के किसान मजदूर बाढ़ एवं सुखाड़ से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अभाव में युवा दूसरे शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर है। जहां भी युवा एवं मजदूर जाते हैं उन्हें बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है। इससे पूर्व कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला लोक समिति के प्रांतीय महामंत्री ने दीप जलाकर किया। मौके पर भोपाल यादव, फूलन देवी, श्याम सुंदर यादव सहित कई लोगों ने सम्मेलन को संबोधित किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। जी हां, अब पैक्स के अंतर्गत मिलने वाले सभी किसानों को लाभ मिलेगा। खाद, बीज एवं बैंक द्वारा किसानों को मिलने वाले कृषि लोन भी लेना होगा आसान। किसानों के हर संभव विकास के लिए संकल्पित चंदन कुमार महेशपुर फरीदमपुर पैक्स अध्यक्ष व्यापार मंडल सनहोला, निदेशक दी भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भागलपुर। चंदन कुमार को इस बार प्राथमिक साख समिति पैक्स अध्यक्ष के लिए भारी मतों से विजयी बनावे। भ्रष्टाचार मिटाना है, चंदन कुमार को जिताना है। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर पीवीवाई आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में।
आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894, 8210975763, 7542931524, 6200102297, बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिलेक्ट टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीरपैंती के रानी दियारा में हो रहे कटाव और विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर सोमवार को राजद नेताओं ने अनुमंडल कार्यालय परिसर में धरना दिया। धरना का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष वासुकीनाथ यादव ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रखंड अध्यक्ष वासुकीनाथ यादव ने कहा कि कटाव से बेघर हुए लोगों के रहने के लिए अगर जिला प्रशासन तत्काल व्यवस्था नहीं करती है तो 7 दिसंबर के बाद सड़कों पर उतर कर चक्का जाम किया जाए। मौके पर मुखिया आघनु मंडल विपिन पासवान एवं कटापीड़ित मौजूद थे। अभी हमारे दो साथी ने इस पर विस्तृत चर्चा की आप लोगों के साथ, और आप लोग भी भागलपुर जिले के ही हैं और आप लोगों को भी मालूम है कि रानी दीरा के साथ क्या हो रहा है। बरसात के बाद अभी जो वीडियो जो वायरल हुआ, वो बिल्डिंग जिस स्टाइल में गिरा है, वो कितना दुर्भावना है कि लोग को देख के भय लगता है, लेकिन सरकार के कान में अभी तक जो भी नहीं रहेगा कि उस पर क्या करना है। विगत 2 सालों में इस जिला के जिलाधिकारी वहाँ जाना उचित नहीं समझे, अनुमंडल पदाधिकारी गए भी तो अपना खाना पूर्ति करके चले। धरना प्रदर्शन के बाद क्या करने चाह रहे हैं? 7 तारीख को पूरा इसका बृहद रूप से हम आंदोलन करने जा रहे हैं। पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सोमवार को चुनाव के लिए जिला स्कूल परिसर में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर कैलाश चौधरी एवं जगदीशपुर CDPO रेखा मोदी ने मतदान कर्मियों को चुनाव के संबंध में जानकारी दी। सभी मतदान कर्मियों को मास्टर ट्रेनर ने 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया। वहीं मंगलवार को मतगणना के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरतलब हो कि 9 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 5 चरणों में पैक्स का चुनाव होगा। मतदान के दिन ही मतगणना होता है। पैक्स चलाने के लिए अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, उसका चुनाव होना है, वो एकल पद होता है। इसके अलावा 12 सदस्यों की कमेटी होती है जिसको हम लोग 4 कोटी में बांटते हैं, अनुसूचित जाति के लिए, अति पिछड़ा के लिए, पिछड़ा के लिए और सामान्य कोटि के जो सदस्य होते हैं उसके लिए निर्वाचन करवाना है। निर्वाचन करने के लिए हम लोग प्रक्रिया बताते हैं कि 85 पदाधिकारी की सहायता के लिए 3 लोग होते हैं, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी और तृतीय। इन तीनों का अलग अलग काम बताया जाता है। प्रथम मतदान पदाधिकारी का काम क्या है, वो उनका मुख्य काम है वो वोटर की पहचान करते हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं पैक्स के, उनके चुनाव का जो बैलेट पर होता है वो उनके प्रभारी होते हैं। P2 होते हैं तो सदस्य 4 कोटि के हैं, उनके प्रभारी होते हैं। P3 का मुख्य काम है वो बैलेट पेपर को मोड़ना सिखाएंगे, और मोड़ना इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो मोड़ने की जो कला है वो निर्भर करती है कि कितने कैंडिडेट खड़े हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सोमवार को थाने के समीप सघन वाहन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की जमकर क्लास लगाई। पुलिस ने ट्रिपर लोड बाइक सवार, तेज रफ्तार और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को सख्त हिदायत दी, साथ ही यातायात नियम का पालन करने की बात कही। चेकिंग अभियान में SI सपना कुमारी सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। रसलपुर थाना क्षेत्र के चन्नो गांव में रविवार को विवाह पंचमी के अवसर पर श्री राम जानकी विवाह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महेश रामायणी कुटीर में हुआ। इस दौरान चन्नो पनखोरिया गांव से भव्य राम की बारात निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं पूरा माहौल जय श्री राम और माता सीता के नारों से गुंजयमान रहा। इस मौके पर महेश सिंह, उत्तम सिंह, नयन तिवारी, रमेश सिंह, दीपक यादव, कृष्ण देव मंडल सहित ग्रामीण मौजूद थे। चलते चलते फिर से नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। ऑटो चालक और स्कूटी सवार के बीच हुए विवाद में स्कूटी सवार युवक ने फेंका बम, 7 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। PG साइकोलॉजी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ शुभारंभ, अपराध के मनोविज्ञान पर हुई चर्चा। विश्व एड्स दिवस को लेकर TNB कॉलेज में कार्यशाला का हुआ आयोजन, एड्स से बचाव और रोकथाम के लिए किया गया जागरूक।
सिटी एसपी ने विश्वविद्यालय थाना में की समीक्षा बैठक, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। और कहलगांव में किसान मजदूर युवा सम्मेलन का हुआ आयोजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।